यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। लगभग 4:30 बजे चेतन चौहान का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव भी थे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आरजेडी ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर देश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करने और इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत में फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। WSJ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के साथ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में लोक भवन में श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई, इस बात से बुलंदशहर पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। बुलंदशहर के एसएसपी के मुताबिक छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत छेड़छाड़ या स्टंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक हादसा था। शाहीनबाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली ने बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान अली ने कहा कि हमारे समुदाय के कुछ लोग बीजेपी को अपना दुश्मन समझते हैं, मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता हूं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी की घोषणा के बाद एनसीसी का विस्तार शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के विस्तार के प्लान को मंजूरी दे दी है। एनसीसी के विस्तार के तहत बॉर्डर और तटीय जिलों से 1,00,000 कैडेट्स को इस संगठन में शामिल किया जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी झड़प में पिता और पुत्र की मौत हो गई। ये हिंसा जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए गांव में बुलाई गई पंचायत के दौरान हुई। एसपी ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए दरोगा समेत 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।